PDF Burma Army. Army. Oh, stuck him. Oh, do. High more. Why dangerous? काफी लोगों ने मना तो किया मुझे जाने के लिए वहाँ बर्मा बॉर्डर के पास में. ओके थैंक यू भाई. आप सभी का स्वागत है एक और नए देश म्यांमार में, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोल सकता. बर्मा ये बीच में ये तियाव रिवर, इस साइड इंडिया, इस साइड म्यांमार बर्मा. अभी मैं बर्मा साइड में ही हूँ. आपका घर, होम हाउस. What is it? Thung. Good morning, दोस्तों. सुबह देखिए यहाँ मेरे हॉस्टल रूम से, ये होटल ही है, एक रूम को डॉर्मेट्री बनाए हैं. ये देखिए आप लोग, यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए, चंपाई सिटी. सही है ना? यहाँ पर यार नॉर्थ ईस्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही महंगा है, और बाकी चीज़ों की महंगाई की बात करूँ तो थोड़ा तो है, लेकिन जैसा मैंने सुना था बहुत ज़्यादा महंगा है मिजोरम में. आप 4-5 दिन भी रह के बजट ट्रैवल नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है मुझे. अभी सुमो स्टैंड जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे जाना है जोखतर बर्मा बॉर्डर. ये भाई पहुँच गया. ये देखिए सूर्य देवता उग चुके हैं, कितने सारे सुमो तैयार हैं अभी निकलने के लिए. आइजोल भी जाती हैं और अलग अलग सिटियों में भी, ज़्यादातर आइजोल का ही दिख रहा है, चंपाई टू आइजोल. इस वाले सुमो में जाना है भाई, नंबर वन. हाँ निकल गए हैं यार. अभी तो फिलहाल मैं हूँ और एक दादा हैं, और इन भैया से पूछ रहा हूँ कि कोई और भी आने वाले हैं क्या, और नहीं बता पा रहे. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई कर रहा हूँ, इशारा से भी थोड़ा सा यहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को भाषा में, लेकिन फिर भी लोगों से जितना हो सके उन लोग हेल्प करते हैं. ये सुबह सुबह सब्जी मार्केट लग गया है दोस्तों. देखिए रोड पे एक जगह रुके हैं हम लोग. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं यार, उसका भी एक कहानी है. असम पान के लिए ज़्यादा फेमस है, यहाँ भी पान खाते हैं और सिगरेट ज़्यादा. तो सिगरेट का कहानी है, पहले लोग जंगल पे जाते थे, मच्छर होता था तो वो बीड़ी पीते थे, उसका धुआं से मच्छर भागेगा ऐसा करके, ऐसा मुझे किसी भाई ने बताया. तो वो अभी तक रह गया और लोगों का शौक बन गया. फैशन के तौर पर भी आजकल तो यार लोग सिगरेट पीते हैं, लोगों को पसंद है तो क्या बोले, लेकिन तो नहीं चाहिए. अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस कैसे आना है पता नहीं. उतना भी दूर नहीं है यार, जोखतर 20-25 किलोमीटर होगा, लेकिन गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं. जैसे अभी एक सुमो निकल रही है यहाँ से जोखतर के लिए, और उसके बाद सीधा शाम को है, और उधर से आने का मुझे पता नहीं. और भैया से मैं पूछ रहा हूँ कि उधर से आने का क्या सुविधा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं. यहाँ पर 2-3 भैया लोग हैं, किसी को भी हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन ये भी एडवेंचर है. लोग अच्छे हैं, अपने तरफ से जितना हो सके उन लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं. और जितना बर्मा बॉर्डर में जाऊंगा उधर और भी कम हिंदी इंग्लिश आएगा लोगों को, हिंदी तो भूल ही जाइए खैर इधर में. ये जो मिजोरम है बहुत ही सेफ है यार, लेकिन ये जो चंपाई है ये म्यांमार बर्मा बॉर्डर के पास होने की वजह से थोड़ा सा क्राइम रेट है यहाँ पे, थोड़ा ही, बाकी पूरा मिजोरम लगभग बहुत सेफ है. रात के 12 बजे भी आप लोगों में भले ही सुनसान रहता है, कोई भी बाहर नहीं होता 6-6:30 बजे शाम के बाद में, पूरा सारी दुकानें बंद हो जाती हैं. काफी लोगों ने मना तो किया मुझे जाने के लिए वहाँ बर्मा बॉर्डर के पास में, लेकिन देखता हूँ मुझे लगेगा कि बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए. आधी दूर तक जा सकते थे पहले, अगर लगेगा कि नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाऊंगा यार, इतना भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है. मैं तो ले सकता हूँ, लेकिन मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हैं, घर परिवार है, कुछ हो गया तो. वहाँ का सत्ता आर्मी के हाथ में अभी, और हर जगह आर्मी के जवान हैं, सोल्जर्स है वहाँ पे. वो धमकी दे, गुस्सा करे, कुछ भी कर सकते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा केयर करना पड़ेगा. जा रहा हूँ, थोड़ा रिस्क तो है लेकिन इतना तो बनता है. यहाँ खेती भी अच्छी होती है दोस्तों, चंपाई में धान की खेती भी अच्छे मात्रा में होती है. यहाँ पर काफी पहाड़ के ऊपर में ही, लेकिन काफी बड़ा इलाका प्लेन है, ज्यादा दूर तक तो नहीं लेकिन है. बीच बीच में ऐसा होगा जैसे मेन पार्ट पहाड़ के ऊपर में है ना, लेकिन प्लेन तो है वैसा. होची मिन गार्डन यहाँ भी है देखो भाई. और यार जो मैं हूँ अभी यहाँ पे, यहाँ से थाईलैंड पास में है, और
मेरा घर जशपुर जिला वो काफी दूर में है। म्यांमार थाईलैंड पास होने की वजह से यहाँ पर थाईलैंड से और म्यांमार से काफी चीजें इम्पोर्ट की जाती हैं इधर, लेकिन रोड अच्छी है। पहुंच गए भाई, यहाँ से अब कैसे जाना है, क्या में जाना है, पूछना कैसे है वो कुछ नहीं पता। पैदल पैदल निकल पड़ा हूँ यार। ये दीदी हैं, इधर से मुझे दिखा रही रास्ता। हेलो। शॉर्टकट में जा रहे हैं हम लोग। ये सब घर जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को, ये बर्मा है, भारत नहीं है, एक और देश। यहाँ से देख सकते हैं आसानी से, अब म्यांमार बोलते हैं, पहले बर्मा बोलते थे। मैं बर्मा कभी म्यांमार ऐसा बोलूंगा तो आप लोग समझ जाना एक ही देश है। हाँ, ये पता नहीं वाइन बनाने के लिए शायद। तो यार ये गेट देखिए, बर्मा जाने के लिए इस साइड में, ये इंडिया है। यहाँ पे एक मार्केट है देखें आप लोग। देखता हूँ यार, अंदर जाने का मन तो हो रहा है वैसे। बर्मा घूमना भी हो जाएगा, बताता हूँ। एट व्हाट टाइम इट विल क्लोज? 6 PM. 6 PM. सो आई कैन नॉट गो रिदी लेक नाउ। ओके थैंक यू। तो यार अभी मैं बर्मा के अंदर एंटर करने वाला हूँ। यहाँ रिदिल लेक है जो, वहाँ नहीं जा सकता अभी के टाइम पे, बस ऐसा है। ओ भाई, ये तियाउ रिवर, इस रिवर के इस पार इंडिया और इधर रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार लिखा हुआ है। देखिए आप लोग, म्यांमार की धरती पे अभी मैं कदम रखने वाला हूँ बिना वीजा के। सही है ना एक्सपीरियंस यार, बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा लेकिन थोड़ा ही आसपास। ओ भाई, वेलकम टू म्यांमार। वीडियो नो प्रॉब्लम। ये म्यांमार के एक भाई हैं। दोस्तों, म्यांमार में इमिग्रेशन के साथ ऑफिशियली एंट्री करने के लिए पासपोर्ट एंड वैलिड वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नेपाल और भूटान में हम इंडियंस को पासपोर्ट और वीज़ा नहीं चाहिए होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। वैलिड पासपोर्ट एंड वैलिड वीज़ा की ज़रूरत यहाँ पर होती है। पर हाँ, कुछ बॉर्डर के थ्रू पहले बिना पासपोर्ट वीज़ा के थोड़ी दूर तक, थोड़े अंदर तक कुछ देर के लिए आया जा सकता था, लेकिन अभी के टाइम पे सिचुएशन थोड़े ख़राब हैं। वैसे मैं भी यहाँ पर अनऑफिशियली ही आया था, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी के टाइम पे रिस्क ना लें। आप सभी का स्वागत है एक और नए देश म्यांमार में, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोल सकता। चाय मिले तो कम से कम म्यांमार से चाय पी के तो जाएंगे। यार मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कुछ खा भी लेता हूँ, आज वैसे भी नाश्ता नहीं किया हूँ। सांप्याओ करके जो कुछ खा रहे हैं, सांप्याओ राइट, इट्स म्यांमार बर्मिस फूड। ओके थैंक यू। राइस है और ये क्या है पता नहीं, थोड़ा सा चिकन भी है इसमें। टेस्टी है, थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ। थोड़ा सा मिर्च भी डाल लेता हूँ भाई, डाल ही रहो तो। अब इसको मिक्स करें और उसके बाद खाएं। पता नहीं ये क्या पीने के लिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर रखा था, चाय जैसा तो लग रहा है। यार सच में बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ म्यांमार में नहीं, मिजोरम में भी ऐसा, इस पार्ट में चंपाई की तरफ में, म्यांमार बॉर्डर की तरफ में ऐसे अंडे रखे रहते हैं। आप चाहें तो वहाँ से निकाल के खाएं, बिल में जुड़ जाएगा वो। और ऐसा ग्रीन टी अलग से कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, म्यांमार रुपीस हाउ मच इन म्यांमार? एक हजार। अच्छा, संप्याओ का 1000 लगता म्यांमार के करेंसी में, यहाँ 40 कन्वर्ट करके बताए हैं। चूंकि बॉर्डर में है तो करेंसी चेंज आसानी से किया जा सकता है, तो इंडियन रुपीस में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, यह म्यांमार का करेंसी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इट्स 500। ये 500 कियत्स, कियत्स बोलते हैं मतलब यहाँ है 100 कियत्स, 1000 कियत्स। ये कन्वर्ट करके मैं लिख दूंगा कितना क्या होता है, ठीक है? अच्छा एक्सपीरियंस है ना, दूसरे देश आ गया। ओके 5000 कियत्स। थैंक यू। बस यार यहाँ आसपास थोड़ा घूम के मैं वापस जाऊँगा, ज़्यादा होशियारी नहीं मारना चाहिए एक दूसरे देश में, वो बिना वीज़ा के, है ना? और मैं अलग से दिख जाता हूँ यहाँ पर कि ये दूर का है बाहर का है। ये देखिए यहाँ का जो म्यांमार का छोटा टाउन है कैसा है, जो लोग हैं, सफाई, रोड्स। आया हूँ तो यहाँ म्यांमार में भी एक पान खा लेता हूँ भाई। थैंक यू। अच्छा ठीक है। टू पीसेस फॉर मी। टू पीस ओके, बट रेडी इट इज आई। व्हाई डेंजरस? इंदौर है। अच्छा ओके ओके गॉट यू। यहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे दोस्तों ओके कि रेडी लेक मत जाए, डेंजरस है, तो इतना सुन के भी नहीं जाना चाहिए। द आर्मी देयर? सो इट्स रियली डेंजरस देयर, राइट? ओ ये क्या क्या, व्हाट इज इट? थुम। बर्मा में पान का मजा। पता नहीं कौन सी गली में जा रहा हूँ। पूछने से भी जवाब तो मिल नहीं सकता आसानी से। बस आप लोग देख लीजिए, यह इंग्लिश में लिखा है यम्मी यम्मी फूड हाउस। यहाँ के सोल्जर्स अगर कुछ गलत समझ लिए तो दिक्कत आएगी। यहाँ वैसे यहाँ के लोग भी मुझे अलग नज़र से देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ का सत्ता आर्मी के हाथ में है और वो उसका गलत यूज़ कर रहे हैं, है ना? वो देश की सेवा करने के लिए होते हैं लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद नहीं। और मेरा हेयर कटिंग वैसे अभी थोड़ा आर्मी जैसा दिख रहा है, तो लोगों को शक भी हो सकता है, गलत लग सकता है। यहाँ देखिए गाड़ी राइट साइड से चलाना होता है, राइट साइड में म्यांमार में। हमारे देश में जैसे लेफ्ट साइड में, वैसा इसमें राइट साइड में। बस बॉर्डर पार करो और पूरी कहानी बदल जाती है। इधर थोड़े ऊपर तक आया हूँ मैं, ये पिक्स। हाउ मच? 1 किलो? 1 किलो? 1 किलो बर्मा ₹6,000। कितना रुपए किलो पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी यार ये दिखा रहा हूँ मैं। बर्मा 10,000, 12,000। ओ 1 किलो, 1 किलो। अच्छा 12,000 बर्मीज का, बर्मीज कियत का 1 किलो पिग। ओके थैंक यू। हमारे देश के मिजोरम में भी पोक बहुत पसंद किया जाता है और वहाँ का फेवरेट डिश है। जहाँ लेफ्ट में चलना होता है राइट में, अच्छा लेफ्ट में ही तो चल रहे हैं लोग, लेकिन गाड़ियाँ राइट साइड चलती हैं। देखिए ये दादा के साथ थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं, थोड़ा रिस्क लेके। यार मैं और भी अंदर जा रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा होशियारी ना हो जाए बस यार। पैसा वन लीटर 3000। ओके हेलो, पान खाके तो देखो बनारसी पान बाबू हो गया मैं। बोले पान वाला बाबू, पान वाला एक चीज़ तो है, लेकिन यार यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस गया तो कोई नहीं मदद करने वाला, भाग भी नहीं सकता एकदम से। तो पहुँच ही गया रिदिल लेक। हेलो अब्दुल्ला, हेलो अब्दुल्ला, सुबह
वेयर आर्मी बर्मा आर्मी। यहाँ के लोगों का आर्मी से बनता नहीं दोस्तों, आर्मी के खिलाफ है। कुछ लोगों का बनता होगा लेकिन उनके खिलाफ में एक कम्युनिटी बना हुआ है, अलग 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 ग्रुप बने हुए हैं जो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर होम वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे प्रोटेस्ट होते हैं तो समय समय पे उनको खदेड़ने के लिए या तो फायरिंग भी होता है यार, बॉम्बिंग हुआ था, एक दो बम तो अभी अपने इंडिया साइड में गिरा था कुछ दिन पहले। खूबसूरत लेक यार पहाड़ों के बीच में, रिदिल लेक म्यांमार का। एक दूसरे साइड से भी लेके आए हैं दादा, बोल रहे हैं कि इधर से भी देख लो। आपका घर किधर है? घर घर है? आपका घर होम हाउस बाद में पता चला यार इसका मतलब नहीं होता है अम्लो, मतलब नो कदमे 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 कदमे। ये रिदिल लेक म्यांमार का, यहाँ घूमकर बहुत अच्छा लगा। ये जो रिदिल लेक है इसकी कुछ खास मान्यताएं हैं दोस्तों, जैसे कोई मर जाता है ना तो उसका अस्थि यहाँ विसर्जन करते हैं, जैसे गंगा में बहाते हैं ना हम लोग वैसे ही। ये हमारे स्कूटी की हालत देखिए, चल तो रही है कम से कम बोल के चलाते हैं दादा। पान अच्छा था यार। एक आप हाँ वन वन एक थैंक यू। थोड़ा अंदर आए बर्मा के तो ये 100 rupees नहीं चल रहे। पैसा नहीं दे रहे ये दादा, दे रहे हैं इनको मैं बाद में दे दूंगा, इनके पास देखिए 100 rupees भी है क्योंकि बॉर्डर पे ही रहते हैं ना इस वजह से। यहाँ पे पान में जर्दा नहीं डालते हैं, बस तो तमुल जो कच्चा सुपारी है और क्या क्या मिक्स करते हैं दो चार आइटम, उसमें नारियल भी होता है। ये खूबसूरत सा गांव बर्मा का, जिस जगह पे मैं हूँ इसको क्या बोलते हैं ये भी मुझे फिलहाल नहीं पता। यहाँ पर तो कुछ कुछ लिखा है लेकिन बर्मिस में। अच्छा हुआ यार आज सोल्जर्स नहीं थे यहाँ पे, ऊपर में गए हैं शायद कैंप लगता है उनका अलग अलग जगह पे। बॉर्डर के पास पहुंचने वाले हैं दोस्तों हम लोग वापस से। ये दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये बीच में ये तियाव रिवर, इस साइड इंडिया, इस साइड म्यांमार बर्मा। अभी मैं बर्मा साइड में ही हूं, इधर से हो के इधर से चढ़ के हम लोग आए हुए हैं। ये जो दिख रहा है ये एक स्मॉल टाउन या गांव ऊपर में, ये इंडिया का गांव है। और इधर में आप लोगों को जो टाउन दिख रहा है गांव, ये म्यांमार का गांव है। म्यांमार म्यांमार हाई मॉल हाई मॉल हाई मॉल पीडीएफ आर पी पी पीडीएफ बर्मा आर्मी 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 दे ताकन हां ओ डू डू हाई मॉल। दूर तो है लेकिन उनके पास तो यार एकदम स्कोप होगा ना, हम लोगों को भी देख पा रहे होंगे। वहां से गोली चला दिए तो हो गया, चला दिए तो कहानी खत्म हो गई। ज़्यादातर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तब ऐसा प्रॉब्लम आता है, और अगर कोई जासूस से लगे उनको तब, मैं उनको ना लगूं बस इतना हो जाए। ये भाई पहुंच गए हम लोग बॉर्डर के बहुत पास में। जी आ रहा था चलो भाई, अपने प्यारे देश में जाने का समय हो चुका है। यहाँ से इस देश से उस पार, उस देश के लोग इस पार, यहाँ
बॉर्डर के आसपास तक आना जाना लगा रहता है। ये दादा मेरे साथ साथ जा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है हम लोगों का। वो मेरा बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। तो अभी बीच में मैं हूँ, देखिए नदी के, बर्मा और इंडिया के बीच में। ओके, सो आई एम इन इंडिया, यू आर इन बर्मा, वेलकम टू इंडिया, बाय बाय बर्मा। आगे भाई अपने देश। दादा का एक परिवार यहाँ भी रहता है इंडिया में, ये बर्मा रेफ्यूजी हैं ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, तो अब भाई आप लोग इधर इंडिया साइड से बर्मा की बस्तियों को देखिए, बर्मा के टाउन को। अब मैं इंडिया के तरफ में आ चुका हूँ, ये नदी एक रेखा खींची हुई है। चलते हैं अभी सुमो स्टैंड के तरफ में। चलो कम से कम दादा को एक दो गाने तो आते हैं हिंदी के। अच्छा लगा, रोंग टका लो दोस्तों, ये बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पे। तो यार फिर से आ चुका हूँ मैं सुमो स्टैंड में, इसमें या फिर इस वाले गाड़ी में जाऊँगा। यहाँ आने के लिए 150 लगा और वापस जाने के लिए 150। सस्ते में अगर आप आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, आने के टाइम पे ऑप्शन कम है, वापसी जाने के लिए गाड़ियाँ लगी रहती है, लेकिन पता नहीं कैसे आने के टाइम पे कमर जाने के टाइम पे ये सब गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं। निकल गए हैं भाई जखवातर से, अभी मैं पीछे बैठा हुआ हूँ मिडिल वाले सीट में। ये भाई सुमो में आया था, अभी जा रहा हूँ होटल चांगथू। होटल चांगथू का एक और ब्रांच, दो होटल है इसी होटल का ही, तो वो प्लाजा वाले होटल में मैं रुका हुआ हूँ, नाम भूल रहा हूँ यार। आज कहीं और भी घूमने के लिए जाना है एक पुलिस वाले सर के साथ में, जो IPS गौरव त्यागी सर हैं, वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं, वो भेजेंगे मेरे साथ में उनके स्टाफ के किसी को। कहाँ गया रे भाई, होटल चांगथू। ठीक है यार, ये वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आज के जो ब्लॉग था आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नमस्कार।